शादी समारोह में नाच गाकर आशीष देने वाले किन्नर विश्व में फैली महामारी को समाप्त करने के लिए भगवान से हर दिन दुआएं मांग रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करते हुए उन्होंने अपने सभी कार्यों पर रोक लगा दी है। इंदौर के नंदलालपुरा डेरे के किन्नर सुबह शाम एकत्र होकर कोरोना संकट को खत्म करने की दुआएं मांग रहे हैं। ये नजारा है इंदौर के नंदलालपुरा के किन्नर डेरे का। पूरे देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और आम आदमी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इंदौर का जिला एवं पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए घरों से ना निकलें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे और संक्रमण को बढ़ा रहे हैं। इंदौर किन्नर समुदाय ने लोगों से अपील की है कि वे घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जब से जिले में लॉकडाउन लागू किया गया है, हम लोगों ने शहर में जाना बंद कर दिया है। रमजान का पवित्र माह चल रहा है और हमारे डेरे में मुस्लिम किन्नर भी हैं, और रमजान के इस पवित्र माह में हम इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए दुआ कर रहे हैं। सभी सदस्य सुबह शाम 30-30 मिनट सामूहिक रूप से कोरोना जैसी महामारी के खात्मे के लिए ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करते हैं और दुआएं मांगते हैं। किन्नर समुदाय के लोगों का कहना है कि राजनेता अपनी पार्टी को जुटाने के लिए चुनाव में लगे रहे और इधर महामारी का खतरा बढ़ता गया, अब आम आदमी इससे परेशान हो रहा है। किन्नर सीमा का कहना है कि हम लोग भी समाज के अंग हैं, इसलिए हम सभी कोविड नियमों का पालन करते हैं। लोगों से मैं यही अपील करना चाहती हूं कि जब प्रशासन कह रहा है कि घर से बाहर ना निकलो, टाइम टेबल से सब्जी की दुकान खुल रही है, हैं किराने की दुकान खुल रही, तो अपने टाइम टेबल से लो, अपने घर में रहो, सुरक्षा से रहो, अपनी जान बचाओ, हैं। और सरकार का क्या कहना है, हैं? अभी बांग्लादेश वहाँ कलकत्ते में इलेक्शन था तो वहाँ कोरोना कुछ भी नहीं था, हैं? इलेक्शन ख़त्म होते वहाँ कोरोना हो गया।